कोटा शहर के रामपुरा कोतवाली थाना क्षेत्र में कोचिंग छात्रा की टीचर के द्वारा हत्या कर देने के मामले को लेकर आज कोटा शहर बंद है। कोटा व्यापार महासंघ ने शहर को बंद करवाया है। व्यापार महासंघ ने इस बात को लेकर कोचिंग छात्रा की हत्या हुए 6 दिन बीत गए थे और अब तक पुलिस के द्वारा हत्या आरोपी टीचर गौरव जैन को गिरफ्तार नहीं किया गया है। महासंघ से जुड़े व्यापार संघों के पदाधिकारी आज छावनी चौपाटी बाजार पहुंचे और प्रदर्शन किया और आरोपी गौरव जैन की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही व्यापारी संगठनों ने मृतका कोचिंग छात्रा को श्रद्धांजलि भी दी। आज तमाम शहर के बाजार, स्कूल, कोचिंग बंद है। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक के लिए पेट्रोल पंप भी बंद रखे गए हैं। बंद में इमरजेंसी सेवाओं को बहाल रखा गया है। कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन ने कहा है कि आज कोटा संपूर्ण बंद है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आगे भी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी पुलिस के द्वारा तो व्यापारियों का आंदोलन जारी रहेगा। व्यापारी संगठन आगे अनिश्चितकाल के लिए कोटा को बंद भी रख सकते हैं। कि आज आप देख रहे होंगे कोटा अपने आप बंद है। कोटा की 150 संस्थाओं ने, व्यापारिक संस्थाओं ने पूर्णतः समर्थन दिया है और आज हमारे को बिना कहीं गए अपने आप कोटा बंद है। ये कोटा की आम जनता में और आम व्यापारियों में गुस्सा है और हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि जब तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं होगा किया जाएगा, कोटा व्यापार महासंघ जब तक पूर्णतः आंदोलन करेगा। ये आंदोलन अभी हमने बिल्कुल शांति से रखा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे को कोई उग्र आंदोलन को धारण करना पड़े।